लास्ट डे है आई नो, और इससे कई पहले, इसके पहले भी कई शोज कर चुका हूँ, एंड ऑब्वियसली इट्स अ इमोशनल थिंग, बट इमोशनल डजंट मीन ऑलवेज योर क्राइंग बकेट्स. खुशियों से भर गया हूँ मैं आज, सीरियसली. यू नो पूरी जर्नी बहुत मेमोरेबल है, क्योंकि यू नो दिस जर्नी हैज बीन अ कांस्टेंट रोलर कोस्टर. आई थिंक पहली बार तो थैंक यू बधाई देने के लिए कि एक इतना सक्सेसफुल रन रहा है. एक आर्टिस्ट के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि ऐसे प्रोजेक्ट का हिस्सा रहे जहाँ पर उसे इतना सारा प्यार मिले, इतना सारा सम्मान मिले. बहुत सारी खुशियाँ बटोर कर जा रहा हूँ मैं यहाँ से, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद द वे द शो हैज शेप्ड अप, द वे माय रोल हैज शेप्ड अप. बहुत अच्छा लगा मुझे, सो मेरे लिए एक यादगार सफ़र रहा है. ये जानकर खुशी हुई कि लोगों को इतना पसंद आया है, एंड इतना इमोशनल है, इमोशनली कनेक्टेड है एक किरदार से. जबकि कोशिश यही रही है हमारी, एटलीस्ट मैं अपनी बात कर सकता हूँ कि मैं किरदार को एक इंसान बना पाऊँ, तभी हम एज एन ऑडियंस कनेक्ट होते हैं एक किरदार से, जब वो इंसान की तरह ट्रांसलेट होता है ऑन स्क्रीन. सो आई एम वेरी हैप्पी दैट पीपल आर इमोशनली कनेक्टेड टू विराट, और उसके अप्स एंड डाउन्स, उसकी हंसी में, उसके दुख में, उसके साथ में. सो आई एम ये जानकर खुशी मिलती है कि एक तरह से एज एन आर्टिस्ट वो ट्रांसलेट कर पाया हूँ जो मेरे राइटर्स, मेरे मेकर्स ने जो विजन बनाया था इस शो का, इस किरदार का, उसे मैं थोड़ा बहुत जस्टिस दे पाया. सो आई एम जस्ट हैप्पी. विराट में एक बहुत ही अच्छी खूबी है, मतलब ये मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है कि वो कोई भी चीज़ हाफ हार्टेडली नहीं करता, हमेशा 100% इन्वॉल्व रहता है, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो गुस्सा हो, चाहे वो ईमानदारी हो, वफादारी हो, कुछ भी हो, 100% है उसमें. तो हाफ हार्टेड एफर्ट किसी में भी नहीं है उसका. तो दैट्स व्हाट आई रियली लाइक, एंड वो मैं अपने आप से वो रिलेट कर पाता हूँ, क्योंकि मैं भी एक तरह से 100% हूँ या नहीं. वो एक ट्रेट है जो मैं उसकी वो ट्रेट में लेके जाना चाहूँगा. वो उसके गुस्से पर कंट्रोल नहीं, और मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, तो वो मैं उससे उस चीज़ से रिलेट कर पाता हूँ कि विराट बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड है, और वो अपने शॉर्ट टेम्पर में कुछ ऐसे डिसीजंस लेता है जो गलत होते हैं, किसी की नज़र में गलत हो सकते हैं. तो वो शॉर्ट टेम्पर और वो गुस्सा, उससे मैं अपने शॉर्ट टेम्पर से रिलेट कर सकता हूँ. आई मीन लास्ट डे है आई नो, और इससे कई पहले, इसके पहले भी कई शोज कर चुका हूँ, एंड ऑब्वियसली इट्स अ इमोशनल थिंग, बट इमोशनल डजंट मीन ऑलवेज योर क्राइंग बकेट्स. इमोशंस कैन ऑल्सो मीन हैप्पी इमोशंस, nostalgic emotions, cherishing things. So I am very very happy. अंदर एक खुशियों से भर गया हूँ मैं आज, seriously. मैंने यही सोचा था कि जब भी मेरी ये जर्नी पूरी होगी, मैंने यही सोचा था कि आज या जब कभी भी ये जर्नी पूरी होगी, उस दिन जब मैं पलट के देखूँ तो एक स्माइल होनी चाहिए, कि अपने काम से खुश होना चाहिए इंसान, और मैं खुश हूँ. तो आई एम हैप्पी एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ द वर्क दैट वी पुट आउट. वेरी प्राउड ऑफ हर. उसकी जर्नी उसने अच्छी तय की है, लोगों ने उसे बहुत प्यार दिया, बहुत सम्मान दिया, एंड अभी जहाँ भी है वो वहाँ भी प्यार बटोर रही है, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर हर एंड फॉर हर फैंस. सो कीप सपोर्टिंग हर गाइस. बहुत सारी मेमोरीज है, कोई एक ऐसी स्पेशल मेमोरी है नहीं, बिकॉज वो सेट, वो विराट का रूम, वो हॉल, वो गणपति जी की मूर्ति हमारी, वो बाद में लीफ वाली जो मूर्ति थी, वो सारी चीज़ें इतनी स्पेशल है. वो जो सेट है हमारा, वहाँ पर इतने अच्छे सीन्स हुए हैं, वो सारी मेमोरीज है मेरी, एंड हमारे मेकअप रूम्स. तो एक नहीं है, ऐसे अनेक हैं मेमोरीज, तो एक चुनना उसमें से बहुत मुश्किल है. सो एंड इट विल बी इनजस्टिस टू अदर्स. सो आई डोंट थिंक देर इज़ वन स्पेशल मेमोरी एज सच. बहुत सारी चीज़ें हैं. विराट के रूम में मैंने मुकाबला का डांस किया था, वो मुझे आज तक याद है. आज भी जब मैं कहीं जाता हूँ तो लोग बोलते रहे तेरा वो डांस देखा था. तो आई एम हैप्पी चीज़ें ऐसे याद रहती हैं लोगों को, सालों साल याद रहती हैं. सो आई एम वेरी ग्लैड. एक मेमोरी नहीं है, बहुत सारी है. फीलिंग यू नो जैसे फर्स्ट डे थी वैसी ही है, क्योंकि द सिंसियरिटी एंड द कमिटमेंट लेवल जितना शुरू में था उतना अभी तक मेंटेन रहा है. लकीली सिंसियरिटी से थ्रू आउट द जर्नी काम किया है, बहुत अच्छा लगा. इट्स अ गुड फीलिंग टू हैव. फर्स्ट डे भी मैं से कुछ बहुत हैप्पी या बहुत एक्साइटेड या बहुत सैड नहीं थी. आई वॉज प्रीटी न्यूट्रल बिकॉज आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड कि ये जर्नी कहाँ लेके जाती है.
तो आई एम एक्चुअली ऑन द सेम पेज एज माई फर्स्ट डे. मैं अभी भी ऐसा नहीं है कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं ऐसा भी नहीं है कि मैं बहुत दुखी हूँ. आई एम न्यूट्रल. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि आगे कैसा जर्नी है मेरी लाइफ की, क्योंकि यू नो ऑल माई फ्रेंड्स दे आर प्रीटी मच ऑलरेडी दे हैव लेफ्ट, सिद्धार्थ बोर्ड के और योगेंद्र और मिताली नाग. सो किशोरी मैम कंटिन्यू कर रही हैं, तो किशोरी मैम को मैं मिस करूँगी. मेरी प्रोडक्शन टीम के जो फ्रेंड्स हैं उनको मिस करूँगी, सैंडी सर, रिची सर, पंकज सर, सिद्धार्थ सर. यार यू नो बहुत बहुत ब्लेस्ड फीलिंग है वो टू बी टू हैव हर एसोसिएशन विद द शो, और शो के थ्रू उनको जान पाना, उनसे रूबरू हो पाना, उनको हमारे नाम पता होना, हमारा काम पता होना, उस पर उनके यू नो वो अपने थॉट्स अपने जो भी यू नो उस पर वो हमें गाइड भी करती हैं पर्सनली, एंड यू नो वो इतना प्यार दिखाती हैं, प्यार देती हैं. तो आई हैव बीन वेरी लकी, द शो हैज़ बीन वेरी लकी, एंड पर्सनली आई फील आई हैव बीन वेरी लकी कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली उनसे मिलने की, उनसे गाइडेंस लेने की, उनका प्यार उनके दिल में जगह पाने की. तो वेरी वेरी हैप्पी, एंड आई होप कि यू नो आगे जो अभी नया प्रोमो आया है, जो नई जनरेशन आ रही है, और रेखा मैम ने उतने ही प्यार से उनको भी यू नो इंट्रोड्यूस किया है. आई विश देम ऑल द लक. या बहुत स्टोरीज शेयर कर रहे हैं, रील वीडियोज, एंड या काफ़ी यू नो लाइक आई हैव ऑलवेज फेल्ट दैट गुम है किसी के प्यार में इज एन इमोशन फॉर द फैंस. सो व्हेन एनीबडी कोई भी बहुत जज्बाती होता है किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर, तो उनका गुस्सा हो, फिर उनका प्यार हो, फिर उनका कुछ भी हो, यू शुड बी एक्सेप्टिंग टू इट विद ओपन आर्म्स, क्योंकि वो इमोशनल है. यू नो पूरी जर्नी बहुत मेमोरेबल है, क्योंकि यू नो दिस जर्नी हैज़ बीन अ कॉन्स्टेंट रोलर कोस्टर. इस जर्नी में बहुत सारे अच्छे मोमेंट्स भी हैं, बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं. बहुत सारे अच्छे मोमेंट्स हैं हमारा लॉन्च से लेकर, व्हेन एवरीबॉडी वाज टुगेदर इन द पार्टी, देयर बीन सो मेनी फन मोमेंट्स. यू नो मेरा जो हमारा पुराना सेट था उस पर एक झूला गार्डन, चौहान निवास के गार्डन में एक झूला था, तो वहाँ बैठकर हम लोग गप्पे मारते थे, शाम इंजॉय करते थे. देन लीप हुआ, बच्चों ने ज्वाइन इन किया, एंड यू नो अरु के साथ इतना प्यारा बॉन्ड है. बहुत सारे फन मोमेंट्स सिद्धार्थ के साथ या विक्रम के साथ, एंड मिताली मैम के साथ, किशोरी मैम के, सबके साथ, भारती मैम, चलेश सर, एवरीबडी. बहुत सारे फन मोमेंट्स हैं, बहुत सारे चैलेंजेस. यू नो वी स्टूड बाई ईच अदर थ्रू, जब हमारा सेट बर्न डाउन हो गया तो वो बहुत डिफिकल्ट मेमोरी था, बहुत डिफिकल्ट टाइम था. उसके बाद सब बंजारों की तरह परफॉर्म कर रहे थे अपना कैरवान लेके, तो वो भी डिफिकल्ट था, लेकिन क्योंकि सब साथ में थे तो वो भी यू नो हंसते हंसते टाइम निकल गया. तो इट्स बीन अ ग्रेट जर्नी, इट्स बीन अ रोलर कोस्टर राइड ऑनेस्टली. इट्स बीन अ वेरी वेरी, एंड पर्सनली मुझे लगता है एज एन आर्टिस्ट ये मेरे लिए बहुत ही लर्निंग एक्सपीरियंस था, फ्रॉम ज्वाइनिंग एन एक्सपीरियंस्ड कास्ट ऑफ सच ब्रिलियंट एक्टर्स, फ्रॉम बीइंग दैट किड इन अ टॉय स्टोर, कि मैं पहली बार आई थी एंड आई वाज लाइक दिस किड इन अ टॉय स्टोर, एंड देन टू लर्निंग फ्रॉम देम, ऑडियंस का इतना प्यार मिलना, ऑडियंस का इतना एसोसिएट होना, फैंस का इतना प्यार मिलना, हर चीज़ उस चीज़ को हैंडल करना, कोई अगर हर्ट है तो उस चीज़ को कैसे टैकल करना है. आप नहीं जानते उन्हें, आप मिले नहीं उनसे, लेकिन दे हैव सर्टेन आइदर एक्सपेक्टेशन और एनीथिंग, तो वो चीज़ यू नो बहुत बहुत लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है, और बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस रहा है. तो कुछ एक पर्टिकुलर मेमोरी बोलना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा मेरे लिए. लास्ट डे तो अभी है शूट का, तो लेट्स सी. आई एम श्योर यू नो जैसे जैसे आप आ रहे हैं तो एवरीबडी इज़ वेरी इमोशनल, एंड एवरीबडी इज लुकिंग एट ईच अदर विद गूगली आईज, एकदम यू नो काफ़ी इमोशनल है सब. बट आई एम वेरी हैप्पी कि जो तो कल जो हमने चंक शूट किया था वो काफ़ी इमोशनल था मेरा और नील सर का, एंड जो हमारा आखिरी बार कमिंग टुगेदर है वो काफ़ी इमोशनल चंक था कल. तो आई एम वेरी हैप्पी कि वो लास्ट डे ऑफ शूट नहीं था,
एंड लास्ट डे ऑफ शूट इज अ हैप्पी मेमोरी. आई एम वेरी सॉरी कि ऑडियंस को नहीं मिली कोई, यू नो द हैप्पी एंडिंग इज नॉट सेराटी ऐसा, बट फॉर अस एक्टर्स हम जो चंग शूट करने चाह रहे हैं वो बहुत लाइट हार्टेड है, हैप्पी है, इट्स नाइस. सो वी विल, यू नो, विल डू दैट हैप्पीली एंड देन ऑब्वियसली आई थिंक एवरीबडी विल गेट इमोशनल. So let's see how the day ends. But I'm very happy that it's not a sad chunk that we are shooting. It's a happy chunk that we are shooting. And I remember my first shot was a happy scene with my father, Sanjay sir ke saath tha. Bahut hi important, bahut hi emotional aur bahut hi happy zone ka wo scene tha. For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.